बिहान फैमिली, क्या हाल चाल है? आज हम आपको मिल रहे हैं घर के बैक साइड में। यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा, देखिए हवा चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, इसलिए हम आपको मिल रहे हैं घर के बैक साइड में। और ये मेरे बच्चे जो कि घूम रहे हैं, और पति भी खड़े हैं, आज अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बच्चों को संभालने की। और ये एक मेरा बच्चा, और ये मेरा दूसरा बच्चा। अरे माया घर के बैक साइड में बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे ना, इसलिए जब मेरी शादी है ना, ये जो पहाड़ी है कितनी, यहाँ इतने सारे वृक्ष होते, इतने सारे सफेद होते थे, बड़े ज्यादा सफेद होते थे, लेकिन उन्होंने सारे काट, सारी पहाड़ी सफेदों से ऐसे भरी होती थी। जब मेरी शादी है उससे सारे उन्होंने सारे काट दिए, तो अब ये बेचारी होगी गंजी, अब ये गंजी पहाड़ी हो गई है। और जो मेरा अयान है ना, इधर बड़ा खुश रहता है, क्योंकि वो जो सामने तंबू है ना, उस तंबू में उन्होंने ना बहुत सारे मुर्गे रखे हुए हैं, तो ये मेरा बच्चा मुर्गे पकड़ने जाता है, बड़े शौक से पकड़ता है। आयु हैन क्या करती है? ननु हैन क्या करती है? हाँ लड्डू, और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। ब्रेकफास्ट में खाया आलू के पराठे, पीयू ने खाया कुलचा, क्योंकि बोलती मैंने आलू के पराठे नहीं खाने, इसलिए इसके बाजार से लेके आए थे कुलचा। और दोपहर में मैं बना रही हूँ आज पल्ला चाट, और पिज्जा, और शाम को खाएंगे पिज्जा। आलू नहीं लाए? आलू ले लेगा, जरूर लेगा, जरूर। आयु कौन है? आयु कौन है? काऊ। काऊ कैसे खाती है? काऊ कैसे खाती है? काऊ कैसे खाती है? कैसे खाती है काऊ? कैसे खाती है? ओ देख कैसे खा रही है। पकड़ ले काऊ को, जाओ। अरे तो कैसे खाती है? कैसे खाती काऊ? अरे अरे कैसे खा रही है? आज मैं बना रही हूँ पल्ला चाट, पल्ले हमारे हो रहे हैं फ्राई, और ये है हमारी मीठी चटनी जो कि अभी थोड़ी सी मेरे को पतली लग रही है, अब इसको थोड़ा रखेंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी होने के लिए इसको रखा हुआ है। और जो खट्टी वाली चटनी है वो मेरे पास है, क्योंकि कल मैंने बनाई थी हरी चटनी, क्योंकि आजकल खाने के साथ वो अच्छी लगती है। देखिए ये तो खूब सारी पड़ी हुई, कल बनाई थी, तो बस हमारे पास अंदर गोलगप्पे भी हैं रेडीमेड जो होते हैं, उनको फ्राई करके हम बनाएंगे इसकी पापड़ी, तो बन जाएगी हमारी पल्ला चाट पापड़ी रेडी। तो अब इनको फ्राई करने के रखते हैं, तो मैं अंदर से उतनी देर लेके आती हूँ। तो आज से मैं किचन में ले रही हूँ छुट्टी, क्योंकि हमारे घर में आ गया है एक नया शेफ। नया शेफ, वेरी गुड, नया शेफ। आया हमारा नया शेफ, रोतड़ू शेफ, ये देखो आया चीटी। मेरा पुत्र बोलता है सारा दिन कुकर में सीटी बजनी चाहिए। और रात के डिनर में हम बना रहे खिचड़ी, कुछ समय नहीं आ रहा था क्या बनाए, क्योंकि हमने बड़ा कुछ खा लिया, दही पल्ला खाया, फिर गोलगप्पे खाए, उसके बाद हमने पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया था, वो भी खाया, तो पेट फुल फुल हुआ, इसलिए रात को हैंगे हल्का फुल्का, इसलिए बन रहा है खिचड़ी। और ये पति ने रखा है अपने लिए, क्या रखा है पति? अजवाइन का पानी, पति जी पी रहे हैं अजवाइन वाला पानी। और देखो मेरी चिट्ठी आई है, देखो इतना मैसी मैसी हो गया वैसे ही। और कल है आठ, कल क्या है, आठ मार्च, कल है 8 मार्च, और कल है पीयू को फाइनल एग्जाम, इसका एग्जाम है मैडम जी, इंग्लिश रिटन की ओरल, कल इसका ओरल पेपर है इंग्लिश का, और परसों होगा इसका रिटन। तो
बस खिचड़ी देखते हैं बनती है बनी है कि नहीं, फिर ऊपर जाके हम पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है, होगी है नेक्स्ट सुबह। और पीहू आज बहुत खुश है। पीहू आप इतने खुश क्यों हो? बहुत खुश है पीहू, आप इतने खुश क्यों हो? क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा है, मेरे 30 से 30 आया और मैम ने मुझे एक्सीलेंट बोला और मेरा आज ओरल टेस्ट था। और कल है इसका रिटन टेस्ट, आज इसका ओरल टेस्ट है जो कि काफ़ी अच्छा गया है। बड़ी खुश है ये क्योंकि मैम ने से जो जो क्वेश्चन पूछे उसको सारे आते थे। तो अभी कल रिटन है और अयान जो वो भी सो रहा है। तो दोपहर के खाने में हमने बनाई है आलू गोभी, वो मैंने बना दी है, दही पकौड़ियाँ डाल दी है, आटा गूंद के रख लिया, बस चपातियाँ बनानी हैं अभी। तो कल बारिश थी, मौसम जो था कल बारिश वाला, मेरी चप्पल दे दो। कल मौसम जो था वो बारिश वाला था, मतलब कल रात को भी काफ़ी बारिश हो रही थी और अभी बहुत अच्छी धूप खिली है। अभी बच्चों को नहलाना, आयु सो रहा तो मैं बहुत ही उठ जाता, इन दोनों बच्चों को एक साथ नहला लेती हूँ। तो मैं आपको अपने फ्लावर दिखाऊँगी इससे, चलो देखो देखो देखने पड़ेंगे, मैंने बड़ी मेहनत से लगाई है, आप सबको देखने पड़ेंगे बार बार देखो। गुड इवनिंग एवरीवन, आ गए हम पीछे घूमने के लिए अपने कंपनी बाग। देखिए हमारा कंपनी बाग कितना अच्छा ना, इतना अच्छा गार्डन हमें गवर्नमेंट ने बना के दिया है। हमारी जो पंचायत है, जब वो बोर्ड लेने आई थी ना, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि आपको ना यहाँ पे एक अच्छा सा ना कुछ बना के देंगे, क्या बोलते हैं इसको, पार्क सा। तो देखो कितना अच्छा बना हुआ, देखिए आप यहाँ से कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं ना, ध्यान से देखेंगे आपको फिर ही फूल नज़र आएंगे, ऐसे आपको नज़र आएंगे ठीक है। और ये देखिए अयान के हैं ना, अयान के ये हैं अयान के फ्रेंड्स, अयान इनको देख के बहुत खुश होता है। देखिए अयान के साथ सभी कैसे मस्ती करता है। यहाँ पीछे मार्केट है, ये देखिए यहाँ पे मैं और पति देव लेने आते हैं घर का सामान, राशन पानी हम यहीं से लेके आते हैं, लेकिन हम वहाँ सड़क की तरफ से आते हैं, इधर से देखिए सड़क आ, तो यहाँ से जो एक्टिव आना मुश्किल होती थी, हम सड़क की तरफ से आते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं, आपको दिखाती हूँ मार्केट, हमारे घर के पीछे बनी हुई मार्केट काफ़ी अच्छी बन गई है। पर मुझे एक बात का उसमें वो अफसोस था कि यहाँ पर लेडीज़ की चप्पल नहीं मिलती है, मुझे चप्पलों का बड़ा शौक है, यहाँ पर लेडीज़ चप्पल नहीं मिलती है। यहाँ पे जेंट्स का है शोरूम, टॉयज का है, आपको दिखाती हूँ, जेंट्स का, फिर रेडीमेड है, ऊपर भी है, पार्लर शार्लर भी है। यहाँ से हम स्टोर का खा लाते हैं, क्या बोलते हैं घर का राशन पानी। यहाँ पे एक डांसिंग स्कूल भी है, लेकिन मैं पीहू को नहीं बेच, सारी गप्पे शप्पे मार के हम आ गए हैं, क्योंकि हमारी एक पड़ोस की आंटी हमें मिल गई थी, तो हमने उनके साथ बड़ी गप्पे मारी हैं। अब हम जा रहे हैं घर वापिस, घर वापिस हम गए थे वहाँ से और आ रहे हैं यहाँ पीछे से। और सारा घूम के आ गए और पीछे हमें आंटी मिल गई, आधा घंटा हम गप्पे मारते रहे, बड़े सारे गप्पे मारे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये मेरा ब्लॉग स्कूल सा भी अगर अच्छा लगता है तो भैया सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई खर्चा नहीं आता, फ्री है। तो बस यही था ब्लॉग, करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।